ये हमारे कोना पंचायत के मुखिया जी काम कराए हैं जल जीवन हरियाली, ये कैसा काम हुआ है बताइए। इसमें ये जल जीवन हरियाली है आ देखिए, ये सांप सब इधर बिच्छू घूम रहा है, अब पैसा सब निकला गया है। छोट घाट बोलना देखो, सब सर सफाई अपने से करे नहीं सुन, जो पैसा रुपया पास होला तो सारे लोग खा जाला, ये जो हमने के कुछ सुख शांति नहीं के, इतना गंध कि हमने ये पड़ल बनी सन बानी सन। उधर रोड कागज में तो तैयार हो गया है बहुत पहले से, वो अभी तक बन नहीं पाया है रोड। पेपर में 2 से 3 बार उपन चुकल बा, पेपर में 2 से 3 बार बन चुकल बा, लेकिन धरातल पर आए तक एक टोकरी ऊपर माटी नहीं गिरल। एकदम पोखरी में जो होता है ना गंदी पानी जहाँ जमा होता है वही वही पानी को सफाई किया जाता है, जल नल का तो यही दशा है। नमस्कार, रघुदातन झलको गोपालगंज, हम राजेश आयल बनी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के कोनवा पंचायत के पसरमा गांव में, जहां घपलाबाजी के आरोप लगता इधर रहे वाला लोग के जेकर जमीन में बा इनार, खुद यहां के पता नहीं खे हमार इनार के कुआं के जीर्णोद्धार हो गई, मेंटेनेंस कार्य भी पूरा हो गई, पैसा पास हो गई और हमारे पता नहीं खे अपन हन इनार जी। कितना रुपया पास भइल बा? 99,553 रुपया। कागज बा ओकर? हाँ कागज तो है। तो कुआं अपन हो जी? अपन जमीन में जी जी। कैसे मने का बा एकर मामला पूरा बताई बारे में? पूरा मामला पैसा उठा लिया बा, घपलाबाजी कर दिया बा, हमारा मालूम नहीं है इनार में कोनो काम भइल नहीं है, इनार में देखते में जंगल उपजल बा। उ हम इनार के बात करतनी, वो कुआं के बात करतनी, जोन पानी देवेला तरस रहल भाई जाके लोग, देखिए एक जीर्णोद्धार हो गई बा कोना प्रकार के, सर पूरा जंगल झाड़ से तोपल बा। कितना साल से? अरे 30 साल से ऊपर हो गई, हमने कहा उससे पहले के बा। कौन प्रकार के कार्य भइल भाई जा? कोनो भइल ही नहीं, काम सब जीरो बा एकदम, देख रहे हैं सामने सब दिखाई दे रहा है, कोई चुरोवा नहीं है इसमें। आ चुपके से पास हो गया, बिल भज गया, इनार पास हो गया, बन गया, कहाँ बनाए देखिए। और ये ग्राम पसरमा में छठ घाट के 3 लाख रुपया के निकासी हो गई बा, लेकिन अभी तक ओकर कोनो भी क्रियाकलाप नहीं है भाई। मतलब जो निकासी पहले रहे वहाँ अभी अभी बा। निकासी में मैंने क्या देखावल बा? 3 लाख निकासी में देखावल बा कि ओकर निर्माण करा दिया बा, छठ घाट के निर्माण करा दिया बा, कार्य पूरा नहीं है भाई। और मैं देखावल बा कि हाँ छठ घाट का निर्माण कराया, 3 लाख रुपया रिसीविंग पूरा डिटेल बा ओहिपर। हाँ हमने के जब पूरा साइट मिलल, हमने के साइट पर खोल के देखनी सन कि भाई हे नाम से इतना इतना पैसा उठल बा, तब भइल कि हमने के कुछ कार्रवाई कर लिया ओहिपर। और ऐसा ऐसा कोनो योजना बा? योजना बा कि नाला एक नाला नाला के निर्माण भइल, नाला के जब निर्माण हो गई आधा काम चल के रुक गई। ये जल जीवन हरियाली है आ हम झलको गोपालगंज के सहयोग लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ये हमारे कोना पंचायत के मुखिया जी काम कराए हैं जल जीवन हरियाली, ये कैसा काम हुआ है बताइए। इसमें ये जल जीवन हरियाली है आ देखिए, ये सांप सब इधर बिच्छू घूम रहा है, अब पैसा सब निकला गया है। छोट घाट बोलना देखो, सब सर सफाई अपने से करे नहीं सुन, जो पैसा रुपया पास होला तो सारे लोग खा जाला, ये जो हमने के कुछ सुख शांति नहीं के, इतना गंध कि हमने ये पड़ल बनी सन बानी सन है, कचरा उन्हें दुनिया भर फेंकाता होता रहता। ये कुली दिक्कत बा, लड़के चंदा लगावे ला लोग बने ला अपना होती, पैसा पास होला आवे ला तो लोग खा ला, लोग खा घा लेला न, लड़का अपना होती करे ला से कुली चंदा वसूल से इतना गंदगी में रोल में रख देवे का करे से करो ता लो खा ता लो, तब लड़का अपना होती करे ला से का करे ले चंदा वसूल ला दिया ला। उधर रोड कागज में तो तैयार हो गया है बहुत पहले से, वो अभी तक बन नहीं पाया है रोड, अभी कच्ची कच्ची उसी तरह है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कोई आ जा नहीं पा रहा है उसमें, और जा करके उधर लोग गंदा भी करते हैं, और सारे गाँव का निकास उसी रास्ते से है। कब से समस्या भाई अपने के सड़क? अरे तो बहुत दिन पहले ही से समस्या है, शुरू से जब से 2001 में से रोड बन रहा है, कई बार बना पेपर में, कभी रोड बनबे न किया। पहले वो छवर तो बहुत पहले से बा, लेकिन 20 साल पहले एक के नापी करा के वो छवर के निकालल गए, दोनों बगल से कुदारी से माटी थोड़ा थोड़ा फेंक दिया गए, ऊपर रास्ता आवाज गमन शुरू हो गए सड़क पर। वही रास्ता से सारा उधर के फसल ढोवाला, जेने से सारा ट्रैक्टर टाली वही रास्ता से जाला। आज तक खेती बा, जितना लोग खेती उधर सब आवागमन नहीं पा, आवागमन वही पर बा, आज तक ले एक छोटी माटी और रोड पर ना पड़ल। आ फिर धीरे 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 सारा लोग काटते 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 अब तो ट्रैक्टर के जाए के भी समस्या हो गई बा, गड्ढा गड्ढा हो गई बा, ऊपर कोनो चीज जा नहीं सक पावत।
हाँ एकरा के निदान होखे के चाही। पेपर में 2 से 3 बार उ बन चुकल बा, पेपर में 2 से 3 बार बन चुकल बा, लेकिन धरातल पर आए तक ले एक टोकरी पर माटी नहीं है गिरल। स्ट्रीट लाइट के देखल जाओ कि हर एक पोल पर लागे वाला बा, एक एक पोल पर नहीं दिखाई देत सामने देख सकते हैं वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हर एक पोल पे कभी भी नहीं लग पाता है। मुखिया जो है अपने फंड से एक दो आदमी के घर पे लगवा देते हैं, बाकी हर पोल ऐसे ही खाली खाली पड़ा हुआ है, कभी भी नहीं लगता। इतना दिन हो गया खराब पड़े हुए, 2 बार 3 बार लाइट का फंड आया लेकिन एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे किसी भी पोल पे एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है। कई भी ऐसे सारे फंड है जो कि आता है और उधरी का उधरी बस कागजी तौर पे बनता है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। हाँ हर साल का यही है, आप चल के देख सकते हैं हर जगह का कंडीशन। मैंने नल जल वाला कार्य कहाँ तक भइल बा? नल जल वाला कार्य थोड़ा मोड़ा, कभी कभी पानी 4 वार्ड में आ जाला, 5 वार्ड आवे, 5 में तक कबो आइबे ना, 5 में पाइप बीछ होइल बा, पाइप बिछल बा नहीं कबो ना आवेला, कबो ना आवेला ना, कबो ना। कब लागल एजा पाइप के बिछाव भइल? पाइप के बिछाव हो गई रोबा 2016 में बिछल, जब वहाँ के घर रहे तो 10 मिनट चली और पानी खत्म हो टंकी में के। टंकी एगो रोबा के जल के देखाओ तनी अभी, हाँ कि वो टंकी हलल कहाँ बा, वो टंकी के जगह ह उजहल ला टंकी, यहाँ की सारा कचरा भर के उसमें आवता, वह पानी लोग के दिया था पिए खातिर, कचरा वाला पानी दिया, हाँ कचरा के पानी दिया था लोग पिए खातिर। अरे बहुत लोग बीमार पड़ गया है उस पानी से, एकदम पोखरी में जो होता है ना, हाँ। गंदी पानी जहाँ जमा होता है, हाँ। वहीं उस वही पानी को सप्लाई किया जाता है, कभी काल का सप्लाई, वो भी सप्लाई होता है तो कभी काल का होता है, तो लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाता है। वो पानी कोई पिएगा तो बीमार होबे करेगा, सड़ा हुआ पानी है ना, यही बात है, जल नल का तो यही दशा है। तो ये योजना से कोनो फायदा नहीं है, योजना एकदम फ्लॉप बा, फ्लॉप बा, वही के फायदा भइल बा जे इमे काम करवले बा, पैसा उठा लेले बा, बाकी पानी के उके पानी पिए वाला का पानी नहीं भेटेगा। देखो जाता कि साफ सफाई की जब व्यवस्था नहीं, कुछ लोग कहना है कि 3 लाख रुपया एक पास भरल सौंदीकरण करे खातिर, लेकिन साफ सफाई नहीं है, एक लोग का कहे चाहें कहे के चाहत नहीं कि इतना ही मैंने ऐसे जनता जैसे मुखिया तरफ से जैसे कॉल कीजिए हम जीत जाएं तो हई करें हो करें छठ घाट बनवाएं या पानी नल जल के भी सुविधा दें, और नल जल के पानी उन्हें दे कचरा में बे कोरोना के कोरोना लोग के फायदा होता, ठीक बा। छठ घाट पर मान ली लेडीज आवता एक तरफ इतना ना भीड़, 1000-2000 से बेसी लोग हो जाता, ये भी गलती बात बा कि छठ घाट के जौन जौन जन जन से पश्चिम पूर्व से अथी रह ना बनल ब्रेक, हाँ ना बन पाओल, या ये जान लाइट के भी व्यवस्था नहीं है, और भी कचरा बहुत कुछ कचरा अगल बगल से जैसे पोखरा में दिखाई देता है चारों तरफ से कचरा, मुखिया प्रत्याशी होके या वार्ड होके या BDC होकस या जिला परिषद होकस है, वो जिला परिषद वार्ड मुखिया BDC सब लोग वोट चाहिए, वोट चाहिए जनता से, जनता पूरा वोट दे के जिता देता, ओकरा बाद में हो जाता प्रत्याशी लोग के मुखिया जिला परिषद सरपंच BDC वार्ड सदस्य के हाथ में हो जाता डंटा, वे बरा पहले जनता से जीते के बाद वोट वोट जनता, आ जब जनता जिता देता सब प्रत्याशी लोग तो ओकरा बाद में हो जाता वो सब के लेकर डंटा है, डंटा से बात होके लगता, तब जनता कहाँ जाई, केकरा द्वार पर जाई, केकरा से बात करी, केकरा से मांगी, कहाँ जाई। अर्घा दिवावे के बरा इतना गजन होता जो बुझाते कितना प्रत्याशी लोग भीतर अंदर अथी है, जनता मेहरारू चार गिर जाइए सब, मान ली जैसे नया नोचर बा संभार ली बूढ़ पुरानिया बा अगर पानी में गिर गई तो छठ मैया नानू हाथ धो के निकाल दी है, मैंने जो हमसे गलती हो गई वही बात बोली, मैंने राशि के उठाव हो गई कार्य नहीं भइल। हाँ तो फिर आई आदमी वोट मांगी तो के हिसाब लेवे के बा कि हाँ हिसाब दो पुरानका जितना भी काम भइल बा पैसा उठल बा हिसाब दो ओकरा बाद वोट लो ये कुल काम भाई जा। देखिए जगह लोग के आरोप बा कि कुआँ के छठ घाट के सौंदीकरण के राशि के उठाव कर लेवल बा, लेकिन धरातल पर ओकर लाभ नहीं के दिखत, जना के लोग जनबा कि लोग आवे जाके रहे वाला जनता आक्रोशित हो गई बा और एक विरोध करता, ये पुरजोर विरोध जनबा कि एक संघ होके लोग आवाज़ उठा रहा बा। ये वीडियो रो पसंद आए तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, ये वीडियो रो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखे मिली, धन्यवाद।